हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक डेट मैंने लिख रखी है, और अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करवाता हूं तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग डेट्स जो है यहां पर आ रही है, डेट्स मंथ सब कुछ चेंज होकर आ रहा है। ये मैंने कैसे किया गूगल शीट में, आइए आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाना है और यहाँ लगा लीजिए डेट का फॉर्मूला, तो ये डेट का फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर यहाँ पर रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए रैंड बिटवीन को लगाते ही है बिटवीन, ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले ईयर देना है, तो ईयर किसके किसके बीच होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2015 से लेकर और 2021 के बीच का कोई भी ईयर आप हमें दे दीजिए, ठीक। तो ये बंद किया हमने, कॉमा दिया। अब फिर यहाँ पर क्या करना है, वापस से रैंड बिटवीन लगाना है, तो ये रैंड बिटवीन लगा दिया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये रैंड बिटवीन हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, महीना कहाँ से कहाँ तक होता है, कुल मिलाकर 12 महीने होते हैं, तो यहाँ 12 दे दीजिए, बिल्कुल वही एक्सेल वाला कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर आइए रैंड बिटवीन करिए कुछ इस तरीके से, ये कर दिया हमने रैंड बिटवीन। और रैंड बिटवीन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको डेट करना है, तो 1 से लेके 31 तारीख के बीच में कोई भी डेट रख दीजिए, ठीक है। और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका एक डेट आ जाएगा। और अब जबकि आप इसको ड्रैग करवाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये अलग अलग डेट्स, अलग अलग मंथ, अलग अलग ईयर करके आएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।